व्हाट्सअप गाइस, कोलकाता डॉक्टर केस, इन सवालों का जवाब कब मिलेगा ममता बनर्जी से? तो आज रौनक की वीडियो होने वाली फंतंत का एपिसोड। अभी रिसेंट पता है क्या करा है? जो प्रोटेस्टर थे उन पे वो पानी वो जो कराते हैं पुलिस ने, तो देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि ममता दीदी चाहती क्या। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद कोलकाता पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के जज को यहां तक कहना पड़ा कि उन्होंने 30 सालों में आज तक किसी पुलिस को इतनी लापरवाही से काम करते नहीं देखा। इन्हीं ममता दीदी की बंगाल पुलिस हादसे के बाद क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाती। यही ममता बनर्जी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बजाय उसे ज्यादा बड़े कॉलेज में ट्रांसफर कर देती है। और इतनी सारी लापरवाहियों के बाद आज जब कोलकाता की जनता और जूनियर डॉक्टर का गुस्सा भड़का हुआ है तो उन्हें आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, उनको एक पार्टी का एजेंट बताकर जेल भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो ममता बनर्जी यहां तक धमकी दे रही हैं कि अगर बंगाल में हिंसा फैलाई गई तो देश के बाकी राज्य भी नहीं बचेंगे। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा और बिहार और यूपी भी जलेंगे। सब सो रहे। समझ नहीं आ रहा है कि एक सिटिंग सीएम एक आंदोलन से घबराकर इस तरह बाकी राज्यों के जलने की धमकी कैसे दे सकती है। अरे ममता दी, आपकी तो खुद की सारी सियासत आंदोलन करके ही निकली है। याद है 90 के दशक में एक वाम नेता पर एक गूंगी बहरी लड़की से रेप का इल्जाम लगा था, तब आप धरने पर बैठ गई थी। सिंगूर के मामले में आपके धरने को पूरी दुनिया ने देखा। सालों तक विपक्ष में रहने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक आपकी तो सारी पॉलिटिक्स ही धरने से जुड़ी रही है। और आप हैं कि आज धरना करने वालों के साथ ऐसा सुलूक कर रही है। प्रदर्शन रोकने के लिए आपकी सरकार ने 6,000 पुलिस वालों को सड़क पर उतारा, ब्रिज को सील कर दिया गया, स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन का यूज किया गया। इस पूरी कार्रवाई में 100 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, 100 बच्चों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस ने डॉक्टर मामले में सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी भेजे थे। एक लड़की को तो गिरफ्तार तक कर लिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए कुणाल सरकार और सुवर्ण गोस्वामी जैसे सीनियर डॉक्टर्स को 2 दिन पहले नोटिस भेजे गए। मतलब ये सब चल क्या रहा है बंगाल में? पहले तो पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, जिस मुख्यमंत्री के अंडर ये पुलिस है वो भी पुलिस की लापरवाही एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और इन सब पर अगर जनता गुस्सा करना चाहे तो उस पर आपकी पुलिस लाठियां चला देगी। ये लोकतंत्र है या जोकतंत्र? जनता के अधिकारों का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है बताइए। मतलब बंगाल पुलिस को इतने सालों में ये नहीं पता चला कि जिस बंदे को उसने सिविल वॉलंटियर बनाकर रखा है वो आए दिन लड़कियां छेड़ता था। जो बंगाल पुलिस रेप और हत्या के कई घंटों तक ये डिसाइड नहीं कर पाई कि ये हत्या है या आत्महत्या, न इसे इतने सालों तक ये पता चला कि आरजीकर हॉस्पिटल में सालों से कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा था। न वो क्राइम सीन को बचा पाई, न जूनियर डॉक्टर्स को गुंडों से प्रोटेक्ट कर पाई, मगर उसे बंगाल पुलिस को लगता है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर थोड़ी सी भी ऐसी वैसी पोस्ट लिख दी तो आसमान फटकर जमीन पर आ जाएगा। गुंडों को रोक नहीं पा रहे और लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे प्रदर्शनकारी इन्हें गुंडे लग रहे। वाह अरे भैया वाह, अपना काम ठीक से नहीं हो और तुम्हारे काम पर कोई सवाल उठा दे तो वो तुम्हें गुंडा लगता है। तुम लोगों का तो बस नहीं चलता, वरना अपने निकम्मेपन पर सवाल उठाने पर तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नोटिस भेज सकते थे। और ये कोई इकलौती बात नहीं है जो इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसी दसियों बातें हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ममता सरकार अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पूरी दुनिया पर तोहमत लगाने में लगी। प्रदर्शन से परेशानी। दोस्तों प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए ममता बनर्जी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये राम और वाम वाले गुंडे, ये लोग तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे भैया ये आपको किसने कह दिया कि प्रदर्शन करने वालों में अगर एक खास पार्टी के लोग भी हैं तो इससे उनकी मांगे खारिज हो जाती? क्या राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का यही काम नहीं होता कि वो ऐसे हर मामले पर सरकार पर प्रेशर बनाए जिस पर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? किसान आंदोलन के टाइम जब इतने लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लाल किले पर आ गए थे तब तो ममता दी ने ये नहीं कहा कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं। लाल किले पर जब कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडा लहरा दिया था तब तो आंदोलन किसी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं लगा था। सीए के टाइम पर जब असम को भारत से काटने की बात की गई, दिल्ली में दंगे करवाए गए, तब किसी ने ये नहीं कहा कि आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है बताइए। मगर आज निहत्थे छात्र सड़कों पर उतरे हैं तो उन्हें रोकने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस हावड़ा ब्रिज पर लोहे की वेल्डिंग करा रही है। बच्चे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे ना आ जाएं इसके लिए बैरिकेडिंग पर ग्रीस लगाई जा रही है। और जब ये सब हो रहा है तो किसी को इसमें लोकतंत्र की हत्या दिखाई ही नहीं दे रही है। वाह 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 वाह, एक पक्ष एक सेक्शन इसे ऐसे नजरअंदाज कर रहा है जैसे जीमेल पर आया नाइजीरिया से $1,00,000 की लॉटरी का मेल। तुम्हारी पुलिस ऐसी क्यों है इस बात का जवाब तुमसे दिया नहीं जा रहा। तुम्हारे काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सवाल किए वो उसका जवाब दे नहीं पा रहे हो और तुम लगे हो ये गिनाने की फलाने राज्य में भी तो रेप हुआ है। फिराज जलालपुरी का एक मशहूर शेर है, तू इधर उधर की बात न कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अरे भैया किस राज्य में कितने रेप हुए, किस रेप पर वहां की सरकार ने क्या किया, ये अलग मामला है। इस पर पहले भी बहुत बात हुई है और आगे भी करेंगे, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुमने अब तक क्या किया अपने यहाँ पर।
आज जो ममता दीदी सीबीआई से पूछ रही है कि उन्होंने 10 दिन में क्या किया, पहले वो ये बताएं कि इसी आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ इतनी शिकायतें जब मिली तो उस पर आपने आज तक क्या किया? जब आरजी कर अस्पताल से जुड़े सीनियर अधिकारी अख्तर अली बार बार चिल्ला रहे थे कि संदीप घोष लावारिश लाशों को बेच देते हैं, तब क्या किया आप लोगों ने? इसी संदीप घोष पर इल्जाम लगा था कि वो बच्चों को पेपर पास करवाने के बदले हर बच्चे से 5 से 8 लाख रुपए लेता है, हॉस्पिटल के लिए दवाएं और बाकी सामान लेने के बदले फार्मा कंपनियों से कमीशन लेता है, तब क्या किया आप लोगों ने उन शिकायतों का? बताइए। इन मामलों की जांच के लिए कमेटी तो बनाई गई, संदीप घोष के ट्रांसफर के ऑर्डर भी आए, मगर फिर किसके कहने पर, हेलो, किसके कहने पर संदीप घोष का ट्रांसफर नहीं हुआ? क्या इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है या इसमें व्लादिमीर पुतिन का हाथ है? बताइए जरा। आप इन मामलों पर तो कोई जवाब नहीं देते, उल्टा छात्र आंदोलन में एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाकर पूछते हो कि ये छात्र आंदोलन में क्या कर रहा है। अरे चचा, रिहाना भी तो किसान आंदोलन में ट्वीट कर रही है, तो क्या रिहाना लुधियाना के खेतों में हल चलाती है या उसने अमृतसर में ट्यूबवेल खोल रखा है? बताओ, मतलब विदेशी रिहाना पैसे लेकर भारत के आंदोलन पर ट्वीट कर दे जिसके बारे में उसे घंटा कुछ नहीं पता, वो जायज है, मगर अपने ही आंदोलन में तुम लोगों के कपड़े और उम्र देख कर ये बोल रहे हो कि ये तो फला पार्टी का हो सकता है, इसे क्या हक है आंदोलन करने का? क्या बात है, वेरी गुड। इसलिए बंगाल की सरकार से हम ये पूछना चाहेंगे कि आप प्रदर्शनकारियों की गर्दन मत पकड़वाइए। आप ये बताइए कि जब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किए हैं, तो अब तक वहां सिर्फ 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही क्यों बने? आप तो ये बताइए कि 9 अगस्त की सुबह जब पुलिस को पता चला कि ऐसे ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद मर्डर हुआ है, तो क्राइम सीन पर इतनी भीड़ कैसे आनी थी? क्या आपकी पुलिस को ये नहीं लगा कि इन लोगों को क्राइम सीन से दूर रखा जाए? आप तो ये बताइए कि जब आपकी पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर का शाम में पोस्टमार्टम कर दिया था, तो उसने उसी रात को FIR में ये क्यों लिखा कि लड़की की डेथ अननेचुरल तरीके से हुई? अगर डेथ अननेचुरल थी तो आपको पहले FIR करनी चाहिए थी, फिर पोस्टमार्टम किया जाता। आप तो उन पुलिस वालों के बारे में बात कीजिए जिन्होंने इतने घिनौने कांड को शुरू में सुसाइड बता दिया। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड बाइक कैसे चला रहा था? पॉइंट, वो पुलिस के में कैसे सोने चला गया था? मगर अफसोस, आप इनमें से किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। आप तो बस ये धमकी देंगे कि अगर कोलकाता में हिंसा हुई तो बाकी देश भी जल जाएगा। हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि ऐसा घिनौना अपराध किसी भी स्टेट में हो सकता है, दुनिया में किसी भी सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसी हर घटना पर नजर रखे। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब घटना सामने आई तो आपने किया क्या, आपकी पुलिस ने किया क्या, आपका रिएक्शन क्या था? मगर आपके तो तेवरी समझ से परे हैं, आप तो खुद सड़कों पर आकर विरोध कर रही हैं। किसका विरोध कर रही हैं? किम जोंग उन का या ब्रुनेई के सुल्तान का? भैया आप ही बंगाल की सीएम है, आप ही राज्य की गृह मंत्री हैं, आप ही चिकित्सा मंत्री भी, मतलब जिस बंगाल पुलिस ने निकम्मापन दिखाया वो भी आपके अंडर है, जिस अस्पताल में संदीप घोष ने सालों तक करप्शन किया वो भी आपके अंडर में है, जिस अस्पताल में घटना हुई वो भी आपके राज्य में है, और इस मामले पर तेवर ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे ये घटना बंगाल में न होकर उज्बेकिस्तान में हुई और इसका जिम्मेदार कोई दुबई का शेख हो। वाह, अरे भाई, कोई बड़ा अपराध हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करो ना, अपनी पुलिस को बोलो कि उस पर सिंसियरिटी दिखाए। मगर ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों से आपका ईगो हर्ट हो गया, आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी सरकार पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, और इसी प्रेशर में आप प्रदर्शनकारियों को एक खास पार्टी का एजेंट बता रही हैं। अरे भाई, अपराध किस सरकार के राज में नहीं होते बताइए? एजिटेशन का सामना किसको नहीं करना पड़ता? सबको करना पड़ता है, यही लोकतंत्र है। CAA में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं था, तो फिर भी इस देश में लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए, सड़कों पर उत्पात मचाया गया, बसें जलाई गईं, दुनिया भर में भारत को बदनाम किया गया। जो किसान बिल किसानों का ही भला करने वाले थे उसके खिलाफ एक खास तरह के किसानों ने आंदोलन किया, तो क्या सरकार ने ऐसे हर आदमी को उठाकर जेल में डाल दिया क्या? बताइए, किसान आंदोलन के दौरान सरेआम खालिस्तानी झंडे लहराए गए, मोदी को मारने तक की धमकी दी गई, तो क्या सरकार ने इन्हों को सड़क से उठवा लिया? नहीं ना। अरे भाई, दुनिया भर में डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, जब तक कि भीड़ बहुत बेकाबू न हो जाए सरकारों को उनके गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सरकार अपने ही लोगों को झूठा बोलकर उनके गुस्से को खारिज नहीं कर सकती, उनके खिलाफ बेरहमी से लाठियां चलाकर उनसे धरने का हक नहीं छीन सकती। लेकिन आप हैं कि शायद ये बात समझने को तैयार ही नहीं। अरे भाई, कोलकाता में इतना घिनौना क्राइम हुआ है, पूरी दुनिया इस अपराध से हिली हुई है, लोगों में भयंकर गुस्सा है। आप राज्य की CM है तो जाहिर तौर पर वो गुस्सा आप पर ही फूटेगा, मगर गुस्सा करने वाले हर आदमी को पॉलिटिकल एजेंट बता देना, उसकी नियत पर शक करना, उन्हें नोटिस भिजवाकर डराने की कोशिश करना, ये कहां तक जायज है दीदी, बताइए ना जरा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जरा संभल जाइए, ऐसा मत कीजिए। आपको याद है कि किस तरह निर्भया कांड के बाद देश भर की सिविल सोसाइटी UPA सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गई थी? गुस्सा तो और भी कई बातों का था, मगर उस एक घटना ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। आपकी पुलिस भी जिस तरह लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये भी उनके सब्र का वैसा ही इम्तिहान ले रही है।
ऐसा ना हो कि इतने सालों से आपकी सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो इस घटना के बाद इतना बड़ा हो जाए कि आप उसे संभाल ना पाए। यूपीए सरकार ने रात के अंधेरे में रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवाई, बाबा रामदेव जैसों को रात के अंधेरे में दौड़ाया था। उसका अंजाम ये हुआ कि आज 10 सालों से वो सत्ता से बाहर है। लगातार तीसरे इलेक्शन में उन्हें 100 सीटें भी नहीं मिली है। जिस कांग्रेस की उस वक्त दर्जन भर राज्यों में सरकार थी, आज वो एक दो स्टेट में सिमट कर रह गई है। आप जनता की इस ताकत को प्लीज जरा समझिए। यूपीए वाली गलती मत कीजिए। लोगों के इस गुस्से से डरिए मत, इसे कुचलिए मत, इसे जानिए और उनसे हमदर्दी रखिए। उसी में लोकतंत्र की भी भलाई है और आपकी और आपकी सरकार की भी। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइए। अगर लोग चुन रहे हैं तो लोग, जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तब सीए हो रहा था, तब तो सब लोग के ट्वीट निकल निकल के आ रहे थे, सब लोग आ जाते हैं। वो चीज बहुत मुझे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इन्होंने कितने लोगों को नोटिस भेजा, साइबर पुलिस है इनकी, वो कौन है जो भी है साइबर सेल, ठीक है, तो इनकी साइबर सेल मेरे को सोशल मीडिया क्या है, जो इतनी सारी इनकी जो टीम है ना, वो 95% जो लोग वो है ना, जो लोग जानना चाह रहे हैं जस्टिस वाले दबाने के लिए, 95% इंक्लूडिंग पुलिस साइबर मीडिया इनके जो भी है वो वहां ज्यादा काम कर रही है। इस पे किसी को फोकस नहीं है वहां पे। क्योंकि एक बात बताओ, आज आप ये जो स्टूडेंट है, ये ऐसे तो है नहीं जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट हो गए, डॉक्टर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं कि ट्रक भर के आए हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं सामान, नहीं है ना, फिर भी इन पे पानी वो करा जाए, 6000 पुलिस वाले लगा दिए, ठीक है, जो उसमें आया था कि 6000 के लगभग क्राइम सीन प्रोटेक्ट नहीं हुआ उस टाइम पर। लेकिन उस रात जब ये हुआ, ठीक है, कुछ उसने बोला था कि हजारों हजार लोग थे लगभग, भीड़ आई, तो इनके खुद के उसका वो था कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, 1000 के तकरीबन लोग थे कि हम वो नहीं कर, हम संभाल नहीं पाए। तुम और क्राइम सीन वही क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे जो जस्टिस चाहते होंगे, पहली बात तो करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी हैरान वाली बात थी कि जब एक किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ होता है या किसी राज्य में होता है एग्जाम्पल, तो उसके चीफ मिनिस्टर रिजाइन मांगा जाता है। हाँ। तो किसी हॉस्पिटल में कुछ इतना घिनौना काम हुआ है तो उसका ट्रांसफर करके दूसरी पोस्ट में कहीं भेजोगे या उसको रिजाइन करोगे, सस्पेंड करोगे आप? ये तो भैया, ये तो सबसे बड़ी लापरवाही नहीं, सबसे बड़ी ये वाली जो धमकियां होती है ना कि ये हुआ तो वो भी, ये तो बहुत ही, कि अगर मेरे राज्य की स्थिति खराब है, मैं नहीं संभाल पा रही, तो मैं इंडिया के बाकी राज्य को भी फूंक दूंगी। और इसमें तो मुझे लग रहा है कि मतलब कि ऐसा होगा, बोला ना सारा जलेगा ये, तो उसने नहीं बोला ना कि वो फूकने जा रही है, वो बता रही हूँ कि हाँ, मतलब उसका जो स्टेटमेंट थी वो ये तो वो हो गया कि मैं अपना घर अच्छे से नहीं चला पा रही, तो तुम्हारे घर चल रहा है तो मैं औरों का घर भी खराब कर दूंगी, ये तो बहुत ज्यादा वैसी स्टेटमेंट है, खराब कर दूंगी, अगेन तू गलत बोल रही है, खराब कर दूंगी नहीं, मैं अपने उसमें समझ गई जो लोग बोल रहे हैं, मैं उसमें फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ। उसका कहने का मतलब मैं बताता हूँ, ये तो थोड़ी भावनाओं में जाती है, उसका कहने का मतलब अगर मेरे यहाँ ऐसी सिचुएशन है तुम्हारे यहाँ भी ऐसी होगी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मतलब मैं फूंक दूंगी नहीं, वो लाइन तेरी गलत हो जाती है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल भी वो सराहनीय नहीं है किसी भी तरीके से। स्टेटमेंट तो अभी सराहनीय नहीं थी कि आजकल लड़का लड़की ज्यादा फ्रैंक होके बात करने लग रहे हैं इसलिए रेप, स्टेटमेंट तो बहुत सारी ऐसी है। अब एक बात बताओ, जब सीएम होके तुम पहले दिन तो तुम दूसरे तीसरे दिन तो तुम खुद प्रोटेस्ट वालों के साथ उतर गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब कैपिटल वो कैप बोला था ना कि कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, आप स्पॉन्टेनियस आप टीम बनाओ हर एक से फटाफट से, क्या लापरवाही, हर एक उनसे बातें करो, आप खुद प्रोटेस्ट उतर रहे हो अपने राज्य में, मिलते हैं साथ, बाय, टेक केयर।